नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी के मुताबिक यहाँ राजस्थान के जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर विधायक बनना चाहते थे गोगा मेडी और लॉरेंसगंज से पिछले कई समय से धमकियां मिल रही थी पुलिस से की शिकायत की, लेकिन पुलिस की कार्रवाई न होने के बावजूद बीते दिनों ये फायरिंग की घटनाक्रम सामने आ रही है। बड़ी खबर राजस्थान के जयपुर से, जहाँ पर फिल्म पद्मावत का विरोध और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने के विवाद से चर्चा में आए राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगा मेडी की मंगलवार रात को बताया जा रहा है कि अज्ञात आरोपियों ने फायर कर दिया। ये मामला है, कुछ दिनों से लॉरेंस विश्नोई गेम के नाम से उन्हें धमकियां मिल रही थी। इसके बाद से गोगा मेडी पुलिस ने सुरक्षा मांगी थी, लेकिन उसको सुरक्षा नहीं मिली। इस बीच ये मामला सामने आ रहा है, उनके घर में ही घुसकर ही बताया जा रहा है कि आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया, फायर कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल बताया जा रहा है कि उनके आरोपियों की 5 राज्यों में तलाश जारी है। जानकारी में सामने आ रहा है कि गोगा मेडी साल 2013 में विधायक का चुनाव लड़ चुके, इसके खिलाफ 21 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज है। फिलहाल सुखदेव सिंह शेखावत मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे के गोगा मेडी गाँव के रहने वाले थे, इसलिए नाम के पीछे हमेशा गोगा मेडी लगाते हैं। उनका परिवार गोगा मेडी गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में बनी ढाणी में रहता है। पिता अचल सिंह शेखावत का देहांत हो चुका है। अब ये मामला सामने आ रहा है, फिलहाल पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, जाँच की जा रही है। तमाम खबरों के लिए बन रही चैनल पर लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।